नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। कौन मारेगा बाजी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे हाजीपुर विधानसभा सीट के बारे में। हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र वैशाली जिले के अंतर्गत आता है। आइए नजर डालते हैं हाजीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास और मौजूदा हालात के बारे में। वर्ष 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के अवधेश सिंह और कांग्रेस के जगन्नाथ प्रसाद सिंह के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। भाजपा उम्मीदवार अवधेश सिंह को 86,763 वोट हासिल हुआ था, वहीं कांग्रेस के सदस्य जगन्नाथ प्रसाद सिंह को 74,578 वोट प्राप्त हुए थे। इस तरह से भाजपा के अवधेश सिंह ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। इस सीट पर साल 2014 में उपचुनाव हुआ जिस पर भाजपा प्रत्याशी अवधेश सिंह विधायक हुए थे। हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2010, अक्टूबर 2005 और फरवरी 2005 तथा चुनावी वर्ष 2000 की बात की जाए तो इस क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नित्यानंद राय विधायक हुए थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजेंद्र राय को शिकस्त दी थी। राजेंद्र राय वर्ष 2010 में लोजपा के टिकट पर खड़े हुए थे। वर्ष 1995 के चुनावी परिणाम को देखा जाए तो इस चुनाव में राजेंद्र राय जेडी के टिकट से खड़े हुए थे और उन्होंने अपने निकटतम उम्मीदवार नित्यानंद राय को शिकस्त दी थी। नित्यानंद राय भाजपा के टिकट से खड़े हुए थे। हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1990 के चुनाव परिणाम को देखा जाए तो इस साल कांग्रेस का वर्चस्व रहा। कांग्रेस उम्मीदवार जगन्नाथ प्रसाद राय विधायक हुए थे। उनका मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार जगन्नाथ प्रसाद यादव से हुआ था। हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य को देखें तो इस क्षेत्र में ग्रामीण स्कूल का जीर्णोद्धार किया गया है। अस्पतालों में कई सुधार कराए गए हैं। गाँव में कुछ सुधार कार्य हुए हैं जिससे ग्रामीणों को राहत मिली है। नलकूपों में सुधार कार्य किए गए हैं। इस क्षेत्र के चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो बेरोजगारी अहम मुद्दा है। किसानों की समस्या भी इस क्षेत्र में बड़ा मुद्दा है। वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि इलाके में महिला कॉलेज की स्थापना की जाए। कृषि से आधारित उद्योग की स्थापना करने के लिए मांग बराबर यहां जारी रहती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो इस बार भी भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक अवधेश सिंह को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं महागठबंधन के तरफ से राजद ने देव कुमार चौरसिया को चुनावी मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर मुकाबला इन्हीं दो नेताओं के बीच है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन इस सीट से बाजी मारने में सफल होता है। बताते चले कि इस सीट पर पिछले 20 सालों से भाजपा का ही कब्जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।